बातें काफी अजीब लगती हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो कभी शराब नहीं पीते थे। ऐसे यहां पर नहीं आ सकती। तुम्हें ये घर कैसा लगा? मैंने इसे तुम्हारे लिए खाली रखा था। आप जाइए। पता है, अब मुझे तसल्ली मिली कि मैं और मेरा बेटा एक छत के नीचे आ गए। कहा ना यहां से जाइए, अलर्ट रहना चाहिए। आपने ही कहा था ना मिस मो नहीं बेटा, मां बोलो। आपने ही कहा था, ये लफ्ज मैं गलती से भी आपको ना कहूं, अब चाहकर भी आपको नहीं बोल पा रहा। सच कहा, हमने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं, पर किसी भी बात का अफसोस नहीं है। नहीं है, आप फंस चुके हैं ऐसी जिंदगी में। हाँ, ये हमारी घर के हाउसकीपर हैं, काफी टाइम से यहाँ पे। ये कोई ऐसी वैसी हाउसकीपर नहीं है, सबसे ऊपर है ये। मेरे दादाजी इस पर ही डिपेंडेंट है। अरे नहीं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कोई नहीं लगती। हाँ तो अगर इस तरह देखेंगे तो नमक। मिस मो के हाथ में अब वो बात नहीं रही, आजकल हर चीज में गड़बड़ करती है। इसीलिए तो कह रही हूँ, उसे लात मारकर बाहर निकाल दो। अगर मेरे बस में होता तो कब का निकाल चुकी होती। खाओ ना बेटा, इतना भी बुरा नहीं बना है। जी, आपने अपनी जिंदगी के 30 साल गवाए, उसका क्या? मैं तो चाहती थी मेरा बेटा मेरे साथ हो और रोज उसे माँ का प्यार दूं, पर मैं ऐसा करती तो तुम्हारे जन्मदिन पर बिना मीट का सूप बनाना पड़ता। तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे भी नहीं थे, हम गरीबी से मर रहे होते और तसल्ली दे रही होती कि आखिर हम दोनों एक साथ हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन